ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। ललितपुर शहर में पीने के पानी की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है, जिससे मोहल्ले वासियों में हाहाकार मचा हुआ है। ललितपुर नगर में पानी की सप्लाई का मुख्य स्रोत गोविंद सागर बांध है, लेकिन इस बांध में भारी मात्रा में मरी हुई मछलियों की वजह से पानी प्रदूषित हो रहा है। हजारों की संख्या में मछलियां कई दिनों से बांध में मरी पड़ी हैं, जिससे पानी की गुणवत्ता पर बुरा असर पड़ रहा है। स्थानीय निवासियों ने पानी के बढ़ते प्रदूषण को लेकर चिंता व्यक्त की है, जबकि सिंचाई विभाग और मत्स्य विभाग एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालते नजर आ रहे हैं। प्रशासन द्वारा अब तक इस समस्या के समाधान के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है, जिससे लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। स्थानीय लोगों ने अधिकारियों से त्वरित कार्यवाही की मांग की है, ताकि बांध के पानी को साफ किया जा सके और पीने के लिए सुरक्षित पानी की सप्लाई सुनिश्चित हो सके। देखिए हमारे संवाददाता विकास सोनी की ये रिपोर्ट। ललितपुर का जहां पर तापमान 45 डिग्री के ऊपर, वहीं पर पानी के लिए जहां पर मोहल्ले वासी जहां परेशान है, और वहीं पर पिछले दिनों में जहां पर पार्षद कुंदन पाल सहित मोहल्ले वासियों ने जहां पर जिला अधिकारी कार्यालय के बाहर मटका फोड़कर प्रदर्शन किया था पानी की समस्या को लेकर, अब हम आपको दिखाना चाहेंगे कि पानी की समस्या जहां पर गोविंद सागर बांध में जल स्तर जहां पर कम है और वहीं पर प्रदूषित होता हुआ पानी, कई हजारों की संख्या में जहां पर मछलियां, हम आपको दिखाना चाहेंगे कि जहां पर मछलियां जो कि साइफन गेट के साथ बाहर जहां पर मछलियां पड़ी हुई हैं जो कि सड़ रही हैं, और वहीं पीने योग्य पानी को हम आपको बताना चाहें, ये भी चाहेंगे कि ललितपुर में नागरिकों के लिए सिर्फ एकमात्र साधन है गोविंद सागर बांध। यहां से पानी जब घरों तक पहुंचता है तो यही पानी पीने योग्य यहां पर होता है, और यही पानी जहां हम आपको दिखाना चाहेंगे कि प्रदूषित होता हुआ साहब, आप गोविंद सागर बांध के चारों तरफ आपको दिखाना चाहेंगे जहां पर मरी हुई मछलियां जो कि इस पानी को प्रदूषित कर रही हैं। वहीं हमने मत्स्य विभाग से हमने बात करनी चाहिए तो मत्स्य विभाग ने जहां पर पल्ला झाड़ा, और वहीं पर सिंचाई विभाग की बात करें तो सिंचाई विभाग ने भी अपना पल्ला झाड़ा। आखिर जिम्मेदार व्यक्ति कौन है जो कि इस प्रदूषित पानी को रोक पाए, और वहीं पर जिला अधिकारी अक्षय त्रिपाठी संज्ञान में लेने, लेकिन अंधा की दृष्टि में ललितपुर में बचा हुआ पानी भी प्रदूषित हो जाएगा, फिर ललितपुर के निवासी कहां से लाएंगे पानी, यह सब देखने वाली बात होगी। फिलहाल ललितपुर से विकास सोनी, सी न्यूज भारत। जल्द ही समाधान नहीं निकाला गया तो ये समस्या गंभीर स्वास्थ्य संकट का कारण बन सकती है। ललितपुर के नागरिकों ने प्रशासन से तुरंत हस्तक्षेप करने और गोविंद सागर बांध की सफाई करवाने की अपील की है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही, वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।